पंच केदारों की उत्पत्ति पंच पांडवों के उद्धार के लिए हुई है। ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी। जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें जो कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ तो वो भाइयों भाइयों का युद्ध हुआ। पहले सुन लो, उसमें कौरवों ने अपने भाई पांडवों ने अपने भाइयों को गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरुओं को मारा। तो लास्ट में जब महाभारत का युद्ध इंद हो गया तो भगवान कृष्ण तो उनके साथ है, कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा देखो पांडवों, आपने युद्ध तो जीत लिया लेकिन आपने जो गणनीय पाप कर रखे गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं क्योंकि यम दंड के अधिकारी भगवान शंकर हैं। पालक ब्रह्म पालक भी हैं, विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करते हैं और शिव संहार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लोगों, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे। उन्होंने कहा काशी में जाइए, काशी रमणी का स्थान है, भगवान शंकर की नगरी। तो जैसे ही पांडव काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर भी उनको आसानी से दर्शन देना नहीं चाहते थे, वो हिमालय क्षेत्र की ओर निकल। तो आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं काशी से जब भगवान शंकर वहां पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वहां से गुप्त हो गए, वहां का नाम पड़ा गुप्त काशी। और पहुंचे केदार में, देखो संस्कृत का मतलब होता है पानी, दार का मतलब दलदल, पानी से युक्त जो दलदली भूमि होती है उसे कहते हैं केदारनाथ। जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे उन्होंने देखा पांडव यहाँ भी पीछे कर रहे हैं, क्योंकि पांडवों में भी भगवान का अंश था। उन्होंने कहा पांडव यहाँ भी पीछे कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे महिष को धारण कर लिया। महिष किसको बोलते हैं? भैंस को। हजारों भैंसे वहां पे पैदा हो गई माया भी, लेकिन पांडव उन्हें जैसे ही देखा यहाँ पे इस हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसे विचरण कर रही है, अगर भगवान शंकर होंगे भी तो आप पहचाने कर सकते। भीम ने कहा ठीक है, अद्भुत शक्तिशाली तो था ही, बोला मैं एक पैर इधर रखता हूँ एक उधर रखता हूँ, पैसों को पार कर। लेकिन जैसे ही पैसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के उस केदार भूमि उस दलदली भूमि में पूछना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने पकड़ लिया, स्पर्श कर लिया तो उनको आकाशवाणी हुई, ये पांडव इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वर हिमालय पंच केदारम स्मृते नित्यम महापातक नाशनम। आपके महान से महान पाप हो सकते हैं, आप 5 केदारों की देखे न, आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं कि फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठ भाग, वहां पे पृष्ठ भाग को मान करके युधिष्ठिर महाराज ने शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मधमेश्वर, वहां पे भीम ने मध्य भाग को मान करके शिवार्चन किया। तीसरा तुंग, ये शिव मंदिरों का विश्व का सबसे शिखर का मंदिर है, 12,772 फुट की ऊंचाई। लास्ट टॉप है चंद्रशिला, यहाँ से लास्ट 13,750 फुट। यहाँ पे अर्जुन ने हृदय और भाव को मान करके शिवार्चन किया। चौथे आते हैं रौद्र, रौद्र का मतलब आंख है। रौद्रनाथ में नकुल ने आंख और ललाट को मान करके शिवार्चन किया। पांचवे कल्प, कल्प का मतलब शिखा। कल्पेश्वर में सहदेव ने जटा को मान करके शिवार्चन किया और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला पशुपति नेपाल में। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर है तो द्वापर के लगभग 5,500 साल पुराने मंदिर है और आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका जीर्णोद्धार किया तो 8वीं शताब्दी 1,250 साल पुराने मंदिर है। बोलो तुंगेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर बजरंगी, हर हर महादेव।